हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल जैसे भी सभी लोग जान रहे होंगे कि अभी एम का एग्जाम होने वाला है एम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है और सारा मैं वीडियो डालूँगा सिलेबस से अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो होंगे जैसे पहला हमारा जो पॉइंट है मेथड ऑफ एग्जामिनेशन अप्रूव एंड साइड ऑफ वर्किंग प्लेसेस एंड रोडवे एक्सेट्रा और ये दूसरा पॉइंट जो है मेथड ऑफ टिम्बरिंग एंड सेटिंग इसी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के लिए बनाऊंगा इसी तरह धीरे धीरे सारा वीडियो डाल दूंगा और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर ले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ तो जैसे आपने देखा होगा एन का एग्ज़ाम देखे कि सारा सिलेबस से था सिलेबस से बाहर कुछ था नहीं तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस जगह पर तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट का पहला टॉपिक तो टॉपिक है हमारा अंडरग्राउंड सपोर्ट सबसे पहले जानेंगे सपोर्ट हम लोग करते क्यों है तो सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट क्यों करते हैं जब कोई अंडरग्राउंड माइंस में जब कोई गैलरी फॉर्म होती है तो उसके चारों तरफ प्रेशर चारों तरफ से प्रेशर डेवलप होती है जो अनबैलेंस अन्वा, होकर उस गैलरी को भरने की कोशिश करती है और चारों तरफ के इसी अनवैलेंस प्रेशर को बैलेंस बनाए रखने के लिए हम लोग गैलरी में सपोर्ट लगाते हैं और उसी को हम लोग जो सपोर्ट लगाते हैं उसी को हम लोग सपोर्ट भी कहते हैं और सपोर्ट हमारा बहुत तरह से हो सकता है प्रोप के थ्रू हो सकता है कोक के थ्रू क्रॉस के क्रॉस बार के रोब होल्टिंग करके इसी तरह और भी सपोर्ट है सारा सपोर्ट का नाम है नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे और कौन कौन से होते हैं तो हमारा जो प्रेशर डेवलप होता है किधर किधर से होता है डाउन वार्ड से होता है अप वार्ड से भी होता है और लेटरल प्रेशर भी होती है जो साइड साइड से आती है ये सारा प्रेशर को हम लोग अनबैलेंस होने से बचाता है हमारा सपोर्ट और उसको बैलेंस करके रोप को गिरने से बचाती है ये सपोर्ट मटेरियल के बेसिस पे अगर हम लोग जानेंगे तो तीन तरह के सपोर्ट होते हैं पहला है वुडन सपोर्ट दूसरा स्टील और आयरन का सपोर्ट होता है तीसरा मेसोनरी, मेसोनरी किसको बोलते हैं सीमेंट ब्रिक या कॉन्क्रीट के द्वारा बनाया गया सपोर्ट वो सब मेसोनरी में आती है तो पहला हमारा वुडन हो गया दूसरा स्टील और आयरन तीसरा हमारा मेसोनरी और प्लेस और टाइम पीरियड के बेसिस पे सपोर्ट दो टाइप से होते हैं एक होता है टेम्प्रेरी सपोर्ट टेम्प्रोरी सपोर्ट का मतलब है उसको टेम्प्ररी समय के लिए लगाया गया है उसको फिर हम लोग बहुत आसानी से खोल सकते हैं जैसे कि आपका प्रोफ सपोर्ट होता है वो टेम्प्ररी भी हम लोग लगा सकते हैं उसको खोलने में आसानी होती है और एक होता है परमानेंट परमानेंट का मतलब होता है कि हमेशा के लिए उड़ा गया उसको खोल नहीं सकते जैसे रूप वोल्टिंग एक बार रूप वोल्टिंग लग जाने के बाद वो दोबारा खुलेगी नहीं तो ये परमामंट सपोर्ट का एक एग्जाम्पल हो गया और एक टेम्पररी का आप कॉग ले सकते हैं वुडन कोग ले सकते हैं, हैं बहुत सारा है और तीसरा हमारा पॉइंट है लोड बियरिंग बियरिंग के बेसिस पर सपोर्ट दो टाइप के ही होते हैं एक एक्टिव सपोर्ट और एक पेसिव सपोर्ट और हमारा जो टॉपिक था कि किस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बताया गया है मेथड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन रूप तो हम लोग का वो जो टॉपिक है उसका आंसर ये है तो रूप की जांच हम लोग कैसे कर सकते हैं पहला तो हम लोग देख के कर सकते हैं दूसरा हम लोग ठोक कर कर सकते हैं और तीसरा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं तो ये तीन मेथड होती है जिसके द्वारा हम लोग रूप को चेक कर सकते हैं और रूफ टेस्टिंग के लिए कुछ सारे मशीनरी है वो मशीन के बारे में भी डिटेल मैंने रखा है एक है लोड सेल ये सब मशीन का नाम है जिसे रूफ टेस्टिंग कर सकते हैं दूसरा है टेल टेल बोर होल एक्सटेनो एक्सटेन्सो मीटर स्ट्रेस मीटर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर ये सारे मशीन है जिसको रूफ को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा पहला हम लोग लिए रूप वोल्टिंग को ये पहला पार्ट है पार्ट टू भी बनेगा अंडरग्राउंड सपोर्ट के लिए देखते हैं कितने कितने लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करते हैं उसके हिसाब से पार्ट टू भी बनाएंगे और धीरे धीरे सारा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे और जल्द से जल्द कर देंगे एग्ज़ाम क्योंकि बहुत जल्द है तो ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो जाए और एग्ज़ाम से पहले हो जाए तो रूप वोल्टिंग के बारे में बहुत सारा डाटा है जो कि इस प्रकार के रूप वोल्टिंग न्यू फेस क्रिएट होने के दो घंटों के अंदर ही लगा देना चाहिए और रूप वोल्टिंग हमेशा वार्टिकली लगाया जाएगा और जिसका एंगल पचासी से नब्बे डिग्री कर सकते हैं जनरली 90 डिग्री वर्टिकल ही डाला जाता है लेकिन 85 से 90 क्योंकि वर्टिकल डालना आसान तो नहीं होता लेकिन 85 से 90 डिग्री चलती है और रूब वोल्टिंग जो होती है रूब वोल्ट को कसने के लिए हम लोग कैप्सूल यूज करते हैं एक सीमेंट कैप्सूल है एक रेजिन कैप्सूल कैप्सूल होती है तो हमारा जो सीमेंट कैप्सूल के कंडीशन में एन एनुलर स्पेस एनुलर का मतलब है कि रूब वोल्ट होल में डालने के बाद जो स्पेस बचती है उस होल में उसको हम लोग बोलते एनुलर स्पेस वो कितना होना चाहिए आठ से बारह एम mm. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या तो कम नहीं होना चाहिए अगर कम होगी तो क्या होगा अच्छे से रोड को पकड़ेगा नहीं वो और क्योंकि रूफ में हम लोग डाल रहे हैं तो अच्छे से पकड़ेगा नहीं तो गिर जाएगी और गिर जाएगी तो रूफ क्लब्स करेगी रूफ होल होगी तो ये सब अंडरग्राउंड में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर रूप होल करती है तो, तो पहला है सीमेंट कैप्सूल सीमेंट कैप्सूल के कंडीशन में आठ से बारह ही एम एम अलाउ है और रूप वोल्ड का लेंथ जो होता है वो जो रोड आप डाल रहे हैं रूप में वो गैलरी विथ का वन थर्ड से कम नहीं होगा गैलरी का जितना भी चौड़ाई है उसका वन थर्ड से कम नहीं होगा और दूसरा कंडीशन है कि, कि किसी भी कंडीशन में वन पॉइंट फाइव मीटर से कम नहीं होनी चाहिए यानी कि गैलरी का विथ अगर आप कम चलाए हैं तो हो सकता है वन थर्ड उसका 1.3 पॉइंट आए आए तो उस समय क्या करना है 1.5 मीटर लेना है अगर उससे ज़्यादा आती है वन थर्ड वन पॉइंट तो आप 1.5 भी ले सकते हैं 1.6 भी ले सकते हैं ये आप पर निर्भर होगी रूप होल्ड की बात किया जाए तो उसका जो डाया जो होता है रूप होल्ड का 20 से 22 एम mm होनी चाहिए 20 से 22 एम mm. एम रूप होल्ड की डाया के बाद रोड का बात हो रहा है उसका जो डाया होगा 20 से 22 एम ही होना चाहिए लोड बियरिंग प्लेट न हम लोग रोड डालने के बाद उसमें प्लेट लगाते हैं उसके बाद उसमें नट भी लगाते हैं तो उसका जो प्लेट जो होती है लोड बियरिंग प्लेट बोलते हैं उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 150 सौ पचास विथ होना चाहिए 150 सौ mm लेंथ होना चाहिए यानी स्क्वायर में होना चाहिए 150 सौ mm, 150 एम एक सौ पचास स्क्वायर शेप में होने चाहिए और उसका जो थिकनेस होगा 6 एम mm होनी ही चाहिए और जो हम लोग नट कसते हैं नट का भी नट का भी डायमेंशन है 20 से 22 एम क्योंकि रोड का जो डायमेंशन है बीस से बाईस एम है वो तो इससे बात समझ में आती है कि उसमें नट लगने वाला 20 से बाईस एमएम के रहेगी तभी तो लगेगी और सेफ में हेक्सागोनल टाइप का होगा तो नट का हाइट 20 से 22 एमएम से और सेफ हेक्सागोनल होना चाहिए और रूप होल्डिंग करने के बाद कम से कम 10% परसेंट रूप होल्ड का टेस्ट किया जाएगा उसको बोलते हम लोग हैंज टेस्ट और 10 परसेंट का मतलब है अगर आप 100 वोल्ट लगाए हैं 100 वोल्ट का 10 परसेंट यानी 10 वोल्ट का आप परसेंटेज टेस्ट करेंगे जिसमें से 9 परसेंट का डिजाइन टेस्ट होगा डिजाइन टेस्ट का मतलब है कि आधे घंटे में अगर कैप्सूल यूज कर रहे हैं सीमेंट कैप्सूल तो आधे घंटे में कितने तीन टन की लोड लेती है तो और दो घंटे में पाँच टन इसी तरह से डाटा दिया हुआ है तो उसको डिजाइन टेस्ट बोलते हैं कि हमारा जितना टाइम हुआ है उसके हिसाब से वो कितना लोड ले रही है उतना ही प्रेशर देना है एंट्रेन टेस्टिंग के द्वारा और हमें रिकॉर्ड कर लेना है कि हाँ ये सही लगा हुआ है और इसमें लोड आ रही है और एक परसेंट जो बचती है एक परसेंट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि जब तक वोल्ट उखड़ ना जाए तब तक हम लोग उसमें प्रेशर देना है और देखना कि कितना मैक्सिमम लोड वो कैरी कर पा रहा है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहेंगे तो आप समझ गए होंगे 10 परसेंट टेस्ट करना है 9 परसेंट का डिज़ाइन टेस्ट होगा और 1 परसेंट का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा और एंट्रिंग टेस्टिंग जो होगा वो मिनिमम सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर के सुपरविजन में होगा इसका मतलब जब टेस्ट करेंगे तब आपके सामने जो सुपरविजन के लिए जो एम्प्लॉय होगा उसके पास सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके सुपरविज़न में ये टेस्टिंग किया जाएगा तो हमारा रूप वोल्टिंग कैसे किया जाता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं और डायमेंशन क्या होती है एंकरिंग टेस्टिंग कितना करना वो क्लियर होने के बाद हमारा टीमरिंग टिम्बरी आ, आ गई है टिम्बर का मतलब होता है खूटा लकड़ी का खूटा तो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो था और ये भी सिलेबस से ही है आपका टाइप ऑफ वुडन सपोर्ट तो वुडन का जो सपोर्ट हो कितने तरीका से हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में है पहला है हमारा वुडन कोग वुडन कोग का मतलब है कि लकड़ी के द्वारा बिछाया गया ऐसा सपोर्ट जो धीरे 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 करते हैं रूप तक सटा देते हैं और उसको किस तरह से बैठाते हैं फिगर में दिखाता हूं ये रहा हमारा कॉक सपोर्ट कॉक सपोर्ट एक इधर से हमारा है प्रॉप एक ओ साइड से भी है जो दिख नहीं रहा फ्रंट व्यू है क्योंकि बैक व्यू नहीं दिख पाएगा एक उधर से है फिर एक इधर से डालेंगे फिर एक इधर से डालेंगे फिर यहाँ पर एक डालेंगे फिर यहाँ एक डालेंगे फिर एक यहाँ पर होगा फिर एक यहाँ पर होगा इसी तरह धीरे 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 रूप की ओर ले गया है फिगर में भी दिख पा रहा होगा ये जो दिख रहा है ये उसके ऊपर है, है फिर एक इधर से है फिर एक इधर से है फिर एक उधर से होगा तो इस तरह से हमारा जो सपोर्ट लिया जाता है उसे बोलते हैं कॉक सपोर्ट या वुडन कोक सपोर्ट दूसरा है हमारा वुडन प्रोफ वुडन प्रोफ ये भी एक कॉक्स सपोर्ट जैसा ही है बस इसमें सिंगल सिंगल प्रोफ रहते हैं ये साइड में जो दिख रहा है ये सब वुडन प्रोफ है इसको क्या किया गया है एक खूटा ले लिया गया है इसको जमीन में थोड़ा सा होल करके इसको गाड़ दिया गया है या नहीं भी होल करेंगे तो भी चलेगा और उसके ऊपर कोनिया लगा दिया जिसको हम लोग वेज बोलते हैं इससे क्या होता है रूप से ये टाइट हो जाती है रूप से टाइट पकड़ती है तो ये रूप का जो प्रेशर है इस पर आती है इस पर आने के बाद हमारा सपोर्ट क्लियर हो जाता है कि हमारा लोड जो है कैरी कर रही है अगर सपोर्ट सपोर्ट अगर धीरे धीरे टेढ़ा होता है या टूटता है तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हमारा रूप का जो प्रेशर है इस पर आ रहा है और हमारा इससे इंडिकेशन भी मिल जाता है कि यहाँ पर हो सकता है रूप फॉल होगी तो इस तरह का सपोर्ट इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ सपोर्ट जो होता है वो हमारा प्रोप सपोर्ट ये कॉक सपोर्ट और एक होता है क्रॉस बार सपोर्ट क्रॉस बार में होता है क्या है उसका फिगर तो नहीं है लेकिन बता देता हूँ साइड एक गैलरी चली तो दो साइड होती है एक साइड यहां एक साइड यहां दोनों तरफ हम लोग होल करते हैं एक इधर होल किए, और ये जो खूटा सीधा है इसको इस तरह से सीधा खूटा लगा देते हैं और इसको रूप से सटा के लगाना है लगा देने के बाद हो सकता है वो टाइट नहीं पकड़ रही है तो उसमें आप कोनिया लगा सकते हैं जिसको वेज बोलते हैं रूप से सटा होना चाहिए तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या हुआ सपोर्ट हमारा क्रॉस बार सपोर्ट होता है जो कि वुडन से है तो वुडन क्रॉस बार सपोर्ट स्टील से भी हो सकता है और भी तरीके हैं तो तीन तरह का सपोर्ट हमारे यहाँ क्लियर हो रहा पहला है वुडन प्रॉप दूसरा है कॉक सपोर्ट तीसरा है क्रॉस बार तो वुडन से हम लोग तीन तरह का सपोर्ट ले सकते हैं और डायमेंशन की बात की जाए तो जो क्रॉस बार क्रॉस बार नहीं कॉग सपोर्ट जो होती है उसमें जो लग रहा है कोग उसको हम लोग स्लीपर्स भी बोलते हैं या कोगिंग मेंबर भी बोल सकते हैं तो उसको जनरली स्लीपर्स ही बोला जाता है स्लीपर्स इसके बारे में बात हो रही है ये जो ट्यूम्बर है जो इधर से लगी उधर से लग रही इसका इसका डायमेंशन की बात हो रही है इसका भी डायमेंशन है तो क्या है डायमेंशन लेंथ उसका लेंथ 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए ज्यादा चलेगी अकॉर्डिंग टू गैलरी विथ आप पढ़ा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं होगी और डाया जो होगा अगर सिलेंडर शेप में है तो उसका डाया होगा तो वो दस सेंटीमीटर से कम नहीं होगी दस सेंटीमीटर को आप इंच में भी बोल सकते हैं चार इंच चार इंच या दस सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अंडरग्राउंड में जो प्रॉप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं पहला होता है जनरल टिम्बर प्रॉफ स्टे प्रोफ इस सारे के बारे में भी डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा अभी तीसरा है टेपर चौथा क्या है अंडर सेट उसके बाद है कॉर्नर फिर है एंकर तो एंकर के बारे में आप जान लेंगे ये सपोर्ट विड्रॉ करते हैं जब सपोर्ट हमारा हटाना रहता है उस समय की बात हो रही है तो इस समय हम लोग एंकर प्रोफ लगाते हैं और उस एंकर प्रोफ में हम लोग विड्रॉ जो करेंगे सपोर्ट को तो एक मशीन से बोलते हैं विड्रॉ करना है वो स्वेटलर मशीन के नाम से जाना जाता है उस मशीन को हम लोग इस प्रोफ में बांध देते हैं और क्यों बांधते हैं क्योंकि जब आप सपोर्ट को खींचिएगा तो हो सकता है मशीन आगे की ओर चला जाए अगर ज़्यादा टाइट है खींचते खींचते तो इसीलिए हम लोग उस मशीन को एक प्रोप पीछे लगाते हैं और उसमें बांध देते हैं बांधने के बाद हम लोग सपोर्ट को खींचते हैं तो इस तरह से हमारा मशीन तो वहीं रहेगी सपोर्ट गिरेगी और सपोर्ट हमारा टेम्पररी सपोर्ट जो लगा हुआ वो निकल जाएगी ये हमारा एंकर प्रोप का काम है और क्वेश्चन आती है एम में कि एंकर प्रोप कहाँ पर काम करती है सपोर्ट खोलते समय सपोर्ट लगाते समय और भी कुछ ऑप्शन होंगे तो हमारा ऑप्शन सही होगा खोलते समय सपोर्ट खोलते समय हम लोग एंकर प्रोप को यूज करते हैं पॉइंट क्या था जनरल प्रोप तो जनरल प्रोप जो है जनरल कंडीशन में यूज करेंगे जनरल कंडीशन का कहने का मतलब हमारा गैलरी सामान्य होना चाहिए ढलाव नॉर्मल होना चाहिए उस समय जनरल प्रोप का यूज करेंगे हम लोग दूसरा है स्ट्रेप प्रोप इसको साइड सपोर्ट भी कहते हैं रूप के साइड में हैंगिंग होने पर यूज किया जाता है इस तरह का रूप है आपका या अगर यहाँ किनारा है यहाँ पर का हैंगिंग को रोकने के लिए तिरछा करके एक प्रोप लगाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अस्टेप प्रोप और ये मैक्सिमम एक एक मीटर के दूरी पे आप लगा सकते हैं रूफ का जो चाल अगर डिस्टेंस ज़्यादा है खराब चाल का तो एक करके धीरे धीरे एक एक मीटर के मैक्सिमम में लगा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम आप जितना सटा के डालिएगा उतना बढ़िया इसी तरह से हम लोग सपोर्ट डालते हैं प्रोप का यूज करते हुए सपोर्ट डालते हैं अगला है टेपर्ड टेपर्ड प्रोप का काम क्या है यह डिप्लेयरिंग के दौरान हम लोग डालते हैं ताकि डिप्लेरिंग में हमें करना क्या रहता है पिलर को काटते हुए निकलना पड़ता है तो हमारा ये इंडिकेशन देता है कि आप पिलर काटिएगा तो वहाँ का जो एक्सकवेशन एरिया वो बढ़ जाएगा और बढ़ेगा और डी सर्कुलर के हिसाब से 60 से 90 मीटर स्क्वायर का अगर गोप हो गया है तो वहाँ पर सब्सिडेंस सब्सिडेंस होने की ख़तरा ज़्यादा होती है तो उतना बड़ा एरिया तो करना नहीं रहता है क्योंकि सब्सिडेंस नहीं करवाना वहाँ काम चल रही है तो प्रॉब्लम होगी घटना हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो उस समय हम लोग टेपर्ड प्रॉप का यूज करते हैं इंडिकेशन को जानने के लिए कि वहाँ का प्रेशर कितना आ रहा है अगर प्रॉप टूट रही है तो वहाँ से हम लोग जितना भी मज़दूर है पावर है मेन पावर उस सबको विड्रॉ करेंगे वहाँ से और सेफ एरिया में जाएंगे जिसको माइनर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है तो टेपर्ड पोर्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं क्वेश्चन आस टेप पोर्शन प्रोप कहाँ पर यूज होती है तो डिफ्लैरिंग डेवलपमेंट तो होगा हमारा सही आंसर डिफ्लैरिंग में यूज करते हैं टेपर्ड प्रोफ का नेक्स्ट है अंडर सेट प्रोफ माइंस का ग्रेडियंट अगर 30 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उस समय हम लोग अंडर सेट प्रोफ का यूज करते हैं अंडर सेट प्रोप का यूज करते हैं एक तरफ का ये प्रोफ है अंडर सेट प्रोफ का लाता है और डिग्री तीस डिग्री से अधिक होने पर यूज करेंगे हम लोग तो सबका यूज कहाँ कहाँ है आप कहा देख पा रहे होंगे सबका अलग अलग जगह पे यूज किया जा सकता है एक कॉर्नर प्रोफ है जैसे कि वुडन कोक आप देखेंगे चारों तरफ से लगाते हैं तो उसके साइड साइड में चार कोना होता है वहां पर हम लोग कॉर्नर प्रोप लगाते हैं ताकि वुडन कोक अगर गलती से उसमें स्लिप करती है तो ये चारों तरफ का जो प्रोफ है इसको रोक लेगी और उसको गैलरी में बिखरने नहीं देगी इससे हमारा एक्सीडेंट होने से बस आस पास को आदमी अगर पार हो रहा है तो इससे बचाव हो सकता है कि ढलक के उसके ऊपर गिर ना जाए लग ना जाए तो इसलिए हम लोग कॉर्नर प्रोप का यूज कर लेते हैं ताकि वो सारा मटेरियल वहीं पर रह जाए गिर भी जाए कोई तो दिक्कत नहीं है तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है ये सपोर्ट इतना में खत्म नहीं हो गया है पार्ट टू भी इसका बनाएंगे उसमें रहेगा डायमेंशंस रहेगी सबकी और भी सारे सपोर्ट किस तरह से लगाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एम का एग्जाम से हमें लगता है पचास पचास से सत्तर के बीच में लगभग क्वेश्चन आप इस वीडियो से देख के मार सकते हैं और और भी आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है तो सी एम आर हो गया एक्ट हो गया रूल वो सबको आपको पढ़ते रहना है और सब जो जनरल बेसिस है ये सब सारा मैं बताऊंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद